उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर, ओबीसी पर, आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रमण होता है, उनकी जमीन हथियाई जाती है। सबको मालूम है मुख्यमंत्री जिस जात से आते हैं उनके लोगों ने उनकी जमीन कब्जाई, उनकी हत्या की, उसके बाद घर जला दिए गए। हाथरस में जब एक बेटी पर रातों रात जलवाया जाता है, उसका रेप होता है, आपने देखा है वो किस जात के थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बरगलाने की सियासत की, झूठ बोलने की सियासत, अब जनता इनसे उब चुकी है। उसने परिणाम दिया ना उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर की कार्रवाई दोनों प्रारूप में हो। कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया गया, चिन्मयानंद का घर नहीं गिराया गया, ब्रजभूषण सिंह को क्यों बचा रही है सरकार। राहुल गांधी का एक बयान आया, राहुल गांधी ने कहा कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 सचिव ही ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार राहुल गांधी पर अटैक करने का काम कर रही है। मेरे साथ यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं। बीजेपी अटैक कर रही है, बीजेपी कह रही है सबसे ज़्यादा सांसद ओबीसी कैटेगरी से उनके पास हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने कल जब पार्लियामेंट में अपना संबोधन दिया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सरकार ओबीसी विरोधी है। जब 90 सचिवों की नियुक्ति हुई और 2019 में सिर्फ और सिर्फ 3 सचिव बनाए जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है ओबीसी को लेकर के। प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले अपने को ओबीसी का नेता घोषित करने के लिए पूरे देश में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ। आप पिछड़ी जाति के नेता हैं, लेकिन आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं अब तक कराई? कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि आप जातीय जनगणना कराइए। हम लोग ओबीसी, आप ओबीसी के बहुत बड़े हितैषी हैं रावत जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 303 सांसद उनके पास हैं, उसमें से 85 लोकसभा सांसद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास तो उतने भी सांसद नहीं है साहब। देखिए, झूठ फरेब छल की राजनीति एक समय सीमा पर चलती है। 2014 में जिस तरह से देश को बरगलाने की सियासत की, बांटने की सियासत की, ध्रुवीकरण की सियासत की, आप लोगों ने ऐसी सियासत की, उसके बाद में कहीं ना कहीं आप जीत करके तो आ गए, लेकिन आप जब जिस जाति का नाम लेते हैं उसके लिए आपने क्या किया? 2013 में जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आपके पास है और आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपको किस चीज का डर है? आप उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पे, ओबीसी पर, आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रमण होता है, उनकी जमीन हथियाई जाती है। अभी प्रयागराज की घटना एक हफ्ता नहीं हुआ है, 3 पासी जातियों के लोगों की हत्या हुई, उसमें से एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, विशेष जाति के लोगों ने उनकी हत्या की। डरते हैं आप लोग डरते हैं। विशेष जात मतलब क्या होता है? खुल के बोलिए कैमरे पे किस जात के लोग हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिस जात से आते हैं, मुख्यमंत्री जी जिस जात, मुझे नहीं पता किस जात के मुख्यमंत्री जी, सबको मालूम है, मुझे नहीं पता, सबको मालूम है मुख्यमंत्री जी जिस जात से आते जात के हैं, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता। सबको मालूम है मुख्यमंत्री जिस जात से आते हैं उनके लोगों ने उनकी जमीन कब्जाई, उनकी हत्या की, उसके बाद घर जला दिए गए। हाथरस में जब एक बेटी पर रातों रात जलवाया जाता है, उसका होता है, आपने देखा है वो किस जात के थे। लगातार एक जाति समूह उत्तर प्रदेश में दलितों पर, ओबीसी पर आक्रमण कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी सदन में बैठकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। और मोदी जी, आप ये बताइए, सबसे ज्यादा गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक हर जगह दलितों पर उत्पीड़न क्यों होता है? लगातार दलितों पर आक्रमण हो रहा है। अरे, मोदी जी कह चुके हैं कि दलित भाई बहनों को मत मारो, मारना है मुझे मार दो। ये तो एक प्रकार का मजाक है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था नोटबंदी के बाद, अगर नोटबंदी के बाद काला धन वापस ना आए तो 21 दिन में मुझे चौराहे पर लटका दीजिएगा। मोदी जी की बात अब देश नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि मन की बात बहुत आपने सुना ली, अब जनता अपने मन की बात सुनाने के लिए बस 6 महीने का इंतजार कर रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बरगलाने की सियासत की, झूठ बोलने की सियासत, अब जनता इनसे उब चुकी है। उसने परिणाम दिया ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई थी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, हमारा समर्थन उनको था,
और वो प्रत्याशी चुनाव जीता। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि एक शेर सब पे भारी है। अरे आप लोग कई दल हैं, कई दर्जन दल हैं, आप लोग एकजुट हो गए हैं। मोदी जी का प्रत्याशी अकेले था। 2019 में मोदी जी ने 42 दलों के साथ गठबंधन किया, 42 दलों के साथ गठबंधन किया। उसके बाद क्या हुआ, आपने जितने दलों के साथ गठबंधन किया सब लोग जो है लगातार उनका दल छोड़ करके भागते चले गए। नीतीश जी गए, उद्धव जी गए, अकाली दल गया, अब AIDMK चला गया। अभी देखते जाइए, 6 महीने बचे हैं, इनके पास कुनबा नहीं बचा है। 24 दल वो आए थे सिर्फ और सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन है, वो पार्टियां आई थी, उनके पास अब ना नियत है ना किसी प्रकार की योजना है, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने की जो चाहत है वो भी अब खत्म हो गई है। क्योंकि अब जनता परिवर्तन के मोड में है, जनता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देख रही है। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने सदन में हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार का मामला हो, दलितों पर उत्पीड़न का मामला हो, OBC पर लगातार आक्रमण हो, जाति जनगणना की जिस तरह से बात हो, सबको लेकर श्री राहुल गांधी जी सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। और श्री राहुल गांधी जी जब सवाल करते हैं तब देखिए भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी सियासत। उनको डिटेन करने का काम किया जाता है, उनका घर छीनने का काम किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं जेल में डालने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ, देश का संविधान जिंदा है, देश का कानून जिंदा है। श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से दिखा दिया है कि देश प्यार से भाईचारा से चलेगा, इन नफरत की सियासत करने वालों का दौर खत्म हो गया। आपने 10 साल में जिस तरह से देश को गर्क में ले जाने का काम किया है वो जनता ने देखा है। और मैं दलित बिरादरी से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं कह सकता हूँ श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व में दलित सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, OBC सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित, हर वर्ग सुरक्षित है। क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने जो कहा वो किया। जिस तरह से 2009 में हम लोगों ने किसानों की कर्जा माफी की बात की, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में कहा कि महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे, कर्नाटका में हमने कहा कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देंगे। अभी हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है वो उस मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जिस तरह से राजस्थान में हम लोग, छत्तीसगढ़ में लगातार जनता से सरोकार का मुद्दा उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं BJP कह रही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का अपमान करती है। वे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं चला रहे हैं, महिलाओं को सदन भेजा जा रहा है, संसद भेजा जा रहा है, महिलाओं को मंत्री बनाया जा रहा है। आज सदन में इसी बात को दोहराया है JP नड्डा साहब ने। मैं तो JP नड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था सदन का, देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी जाति हैं, क्या उनको नहीं बुला सकते थे आप? क्यों नहीं बुलाया उनको? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो महिला विरोधी सोच है। आप मुंबई से एक्ट्रेस को बुला सकते हैं, लेकिन हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी जात की हैं, इसलिए नहीं बुलाया जाता है। ये सोच इनकी दलित विरोधी आदिवासी विरोधी है। श्री राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि उद्घाटन आपने किया और हमारे देश की राष्ट्रपति गायब, ये कौन सा उद्घाटन? हम लोग महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, हम लोगों ने रिजर्वेशन जब बिल पास किया था राज्यसभा में 10 मार्च 2010 को, क्या हुआ था? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये लोग विरोध कर रहे थे और कुछ ऐसे दल भी विरोध कर रहे थे जो कहीं ना कहीं महिला विरोधी सोच वाले हैं। आज जब रिजर्वेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी ने फिर से गुफा छोड़ दिया। हम लोग कह रहे हैं ना आप रिजर्वेशन लेके आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, लेकिन इन लोगों की नियत नहीं है। जब रात में हमारी हाथरस में एक बेटी को जलाया जाता है, जब रात में हमारी बेटियों पे अत्याचार होते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पे अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है, अपराधियों को लगातार मारा जा रहा है। मुख्तार अंसारी था, मार दिया गया, सफाया सबका हो रहा है। विकास दुबे गुंडा बदमाश, क्या हुआ, मार दिया गया। देखिए ठोको नीति जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ठोको नीति आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपराधियों को मार रहे हैं, लेकिन जो अपराधी अपराध कर रहा है सत्ता के संरक्षण में, उनका क्या, उनका घर और पांच नाम बता दीजिए, कौन से लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में लगातार अपराध कर रहे हैं और सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? मेरे पास पांच नाम नहीं, मेरे पास ऐसे हजारों नाम है। पांच नाम बता दीजिए सर, पांच नाम बता दीजिए। रिसेंटली की घटना बता रहा हूँ, प्रयागराज में जिन 3 दलित लोगों की हत्या हुई, उस जात के वर्ग के लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनके घर उनके लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये बताए ना,
कानून संगत कार्रवाई हो रही है। और अगर आप बुलडोजर की मांग करते हैं, आप एक आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ये मान लिया जाएगा, देश की जनता मान लेगी, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, सचिन रावत भी चाहते हैं बुलडोजर को चलाया जाए। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि बुलडोजर की कार्रवाई एक एक प्रारूप में क्यों होती है, बुलडोजर की कार्रवाई दोनों प्रारूप में हो। कुलदीप सेंगर का घर नहीं गिराया गया, चिन्मयानंद का घर नहीं गिराया गया, ब्रजभूषण सिंह को क्यों बचा रही है सरकार? हमारी बहन बेटियां जो आंदोलन कर रही थी, उनके आंदोलन को डिटेन करने का काम किया, उनको डराया गया, धमकाया गया। ब्रजभूषण सिंह ने जिस तरह से एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की, ये सरकार के हाथ जो चूड़ियां हाथ में पहने हुई है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सगुफा नहीं चलेगा। अब आपको या तो आप काम करिए, नहीं तो कुर्सी से हटिए। हम लोग कुर्सी चलाने में आज कल भी माहिर थे, आज भी माहिर है, कल भी माहिर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनता का असली दर्द, महिलाओं का असली दर्द, किसानों का असली दर्द। श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि जहाँ पे जाति होगी, जो वर्ग उपेक्षित होगा, जो मुझे बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। आज जिस तरह से आनंद विहार टर्मिनल में श्री राहुल गांधी जी पहुंचे, ये क्या चल रहा है? राहुल गांधी कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, कभी राहुल गांधी ट्रक में बैठ जाते हैं, कभी राहुल गांधी कुली बन जाते हैं, सामान उठा लेते हैं सर पर, ये क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, ये दिखाना नहीं चाहते, ये तो लोगों की पीड़ा है। श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर की, उस यात्रा का मैं भी सदस्य था और मैंने भी 200 किलोमीटर के आसपास यात्रा की। मैंने देखा कि लोग 4 बजे से इंतजार करते थे श्री राहुल गांधी जी का, अपना दुख बताने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए। श्री राहुल गांधी जी जब गुजरते थे, लोग आकर के उनसे गले मिलते थे, अपना दुख बताते थे कि किस तरह से जाति होती है। तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा कल भी चल रही थी, आज भी चल रही, आगे भी चलेगी। उसी का उदाहरण है कि जो एक मोटे मकैनिक की जो तकलीफें हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करता है। उन्होंने श्री राहुल गांधी जी से पूछा, मदद मांगी कि आप आइए देखिए। श्री राहुल गांधी जी गए, आपने देखा होगा कि आज सुबह आनंद विहार टर्मिनल पहुंचे, कुलियों का दर्द जाना। बिल्कुल, राहुल गांधी में खास बात तो है, जो काम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तमाम लोग नहीं कर पाए, उस काम को राहुल गांधी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलियों के बीच जा रहे हैं, मोटर मैकेनिकों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी उन लोगों का भला करने का काम करेगी, वे अडानी और अंबानी को अमीर नहीं बनने देंगे। क्योंकि आजकल हमारे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं, तमाम जगहों पर आप पा सकते हैं कि अडानी अंबानी जो है लगातार अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर लगातार धनवान होता जा रहा है, गरीब 2 जून की रोटी के लिए लगातार तरसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सचिन रावत से पूरी बातचीत पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कांग्रेस दफ्तर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।